तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना एक साइबर कैफ़े का शॉप कैसे खोल सकते हैं और उसमें जो जो भी सामान का ज़रूरत पड़ता है, जो जो सामान लगता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। कौन सा सामान कितने में मिलता है वो सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और आपको पूरा छोटे से छोटा सामान आप जानकारी दूंगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे पास लेमिनेशन करने का पाउच है और यहाँ पे लेमिनेशन करने का जो है सो छोटा वाला जो कार्ड लेमिनेशन होता है। उसके बाद यहाँ से हम जेरोक्स पेपर है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ सामान है हमारे पास और सब चीज़ का मैं जानकारी देने वाला हूँ और सब चीज़ का प्राइस भी बताने वाला हूँ कि कौन सा सामान का कितना प्राइस है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइबर कैफ़े या फोटोकॉपी का शॉप खोलने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ का जो ज़रूरत पड़ेगा वो है प्रिंटर। तो दोस्तों आपके पास एक अच्छा सा प्रिंटर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल यूज के लिए प्रिंटर लेते हैं तो उसके लिए दोस्तों एप्सन का या तो कोई भी कंपनी का आप प्रिंटर ले सकते हैं। और उसमें दोस्तों आपका ये जो प्रिंटर है आप ये देख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों सारा कुछ काम इसी प्रिंटर से आपका हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें जेरोक्स भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डाल के, और यहाँ से इसमें कलर जेरोक्स और ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स भी कर सकते हैं। और इसमें जो है सो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी निकाल सकते हैं इसी प्रिंटर से। और इसमें कोई भी कार्ड वगैरह आप आराम से बिल्कुल इजी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह जो आपको कस्टमर को डाउनलोड करके कार्ड बना के आप उसको प्रिंट करके उसके बाद लेमिनेशन करके कार्ड बना के उसको कस्टमर को सेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारा लैपटॉप। जो दोस्तों आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जो कि दोस्तों आप सेकेंड हैंड भी परचेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप नया भी परचेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रिंटर का जो रेट है वो लगभग 12,300 के लगभग में है। और दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप लेंगे तो अगर आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते हैं तो दोस्तों आपको लगभग 12,000 से 13,000 के बीच में आ जाएगा। और दोस्तों ये मैं जो लैपटॉप परचेस किया हूँ वो मेरा 13,500 का है जो कि सेकेंड हैंड है। और दोस्तों अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप नया लैपटॉप भी ले सकते हैं। तो नया लैपटॉप लेंगे वो थोड़ा सा आपको अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो हमेशा जो है सो सही से चलना चाहिए एक दुकान चलाने के लिए, ताकि दोस्तों आप एक साथ में दो तीन काम आराम से कर सकते हैं, दो तीन ब्राउज़र में जाके, तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अगर नया सिस्टम आप लेते हैं तो लगभग आपको जो है सो 30,000 से 35,000 के लगभग में आपको जो नया लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जो कि है फिंगरप्रिंट डिवाइस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मंत्रा का जो है सो डिवाइस है, जो कि ये लगभग दोस्तों 2000 के लगभग में आता है। अभी तो इसका रेट जो है सो बिल्कुल 2000 से भी कम हो गया, तो आप उसको ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं। मंत्रा 100 करके इस डिवाइस का नाम है, तो आप इसको जो है सो इसका जो प्राइस वगैरह जो भी है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है सो लेमिनेशन मशीन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सो ये लेमिनेशन मशीन जो है एक्सलेम का लेमिनेशन मशीन है, जो कि इसका मॉडल नंबर है एक्सलेम लेमिलेटर इको 12। ये इसका मॉडल नंबर है और इसमें जो दोस्तों सारा कुछ फंक्शन इसमें दिया हुआ है कि कहाँ से इसको कंट्रोल करना है, और फॉरवर्ड और रिवर्स का भी दिया हुआ है, और इधर से ऑन ऑफ स्विच दिया है। तो इसका दोस्तों प्राइस जो है सो लगभग 2800 से 3000 के बीच में है। और अगर आपके पास बजट कम है तो आप इससे छोटा वाला लेमिनेशन, मतलब कि इसका जो प्लास्टिक बॉडी वाला लेमिनेशन आता है, मशीन आता है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों लेमिनेशन मशीन और लैपटॉप और ये प्रिंटर, ये तीनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों और इसमें क्या क्या लगता है, तो और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक जो है सो स्टेपलर रखना है। ये स्टेपलर दोस्तों लगभग 50 रुपये में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो सामान है और यहाँ पे और क्या क्या, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको, चलिए मैं आपको लेमिनेशन का सामान दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेमिनेशन का रोल है, जो कि दोस्तों 150 के लगभग में मिल जाता है। इससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आराम से लेमिनेशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दिन आपका चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है सो ये कार्ड लेमिनेशन करने वाला पाउच है, जैसे कि दोस्तों आधार कार्ड वगैरह कोई भी कार्ड रहेगा उस साइज़ का, तो आप इस साइज़ में से
उसको लेमिनेशन कर सकते हैं, जो कि दोस्तों लेमिनेशन करके 10 से 15 रुपये में कस्टमर को आप सेल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 1 रुपये पीस पड़ता है, और इसमें 100 पीस का पैकेट आता है, तो इसका प्राइस जो है सो 100 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है लेमिनेशन का पाउच, जो कि A4 साइज़ में है, और ये बिल्कुल कटिंग रहता है, तो आपको इसको कट करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें दोस्तों डाला हुआ है, पूरा प्लास्टिक का ही रहता है। ये वाला पेपर जो है सो A4 का कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप उसमें आराम से पैक कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है, इसका क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छा होता है। और इसका जो है सो 100 पीस का पैकेट आता है, जो कि दोस्तों 300 में मिलता है, और 1 पीस जो है सो ये 3 रुपये करके पड़ता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जेरोक्स का पेपर, जिसमें जेरोक्स प्रिंट आउट A4 साइज़ का पेपर होता है, तो आप ये देख सकते हैं। ये भी दोस्तों अलग अलग रेट में आता है, तो ये वाला जो है सो 250 का आता है, और इसमें 500 पीस का सीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं A4 का 500 सीट का पेपर है, तो ये 250 में आता है, और ये लगभग 50 पैसे के कॉस्ट में आता है, जो कि 500। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फ़ोटो निकालने वाला पेपर, जो कि पासपोर्ट साइज़ निकाला जाता है फ़ोटो, उसका पेपर, तो इसका जो है सो ये जेरोक्स वाले पेपर से थोड़ा सा मोटा होता है और अलग होता है उससे। मैं इसमें पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है सो वो प्रिंट होता है, और इसमें भी वही पेपर है। तो दोस्तों इतना सारा सामान अगर आप ले लेते हैं, तो आप अपना साइबर कैफ़े बोलिए, या तो फ़ोटो कॉपी, या तो जनसेवा केंद्र, ये सब का बिजनेस आराम से दोस्तों खोल सकते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी कम बजट में आपका आ जाएगा। और दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना सामान से आप अपना काम को चालू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पावर बैकअप के लिए लेते हैं, तो आपको इन्वर्टर बैटरी वगैरह भी लेना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो कि दोस्तों आपको पूरा दोस्तों शॉप के बारे में बताया हूँ कि कौन कौन सा सामान अपना शॉप में रखना चाहिए। और दोस्तों उसके लिए आपको जो है सो एक काउंटर भी बनाना पड़ेगा, तो दोस्तों आप काउंटर जो है सो अगर आप बनवाते हैं, तो लगभग उसमें थोड़ा पैसा जो ज़्यादा खर्चा होता है, वो लगभग जो है सो 25,000 के लगभग में खर्चा हो जाता है एक ऐसा काउंटर बनाने में। मैं अपना काउंटर जो है सो मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपना ऐसा वाला काउंटर बनाया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो दोस्तों आप इससे कम वाला भी काउंटर बना सकते हैं, तो आपको जो है सो कम बजट में हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारा कुछ दोस्तों जो भी था टूल्स के बारे में आपको बताया, और सारा कुछ मशीन के बारे में भी बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक साइबर कैफे खोल के कौन कौन सा सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा दोस्तों आपको कमेंट भी करना है, ताकि दोस्तों हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता रहे, और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो जो है सो मैं देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।